तो पहले ये कर लेते हैं। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या डील करेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ओके, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यही के टॉपिक पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस स्लाइड, इन द फर्स्ट स्लाइड आई हैव गिवन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन। सो व्हाट इज पॉल्यूशन? इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द केमिकल, फिजिकल और ऑर्गेनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉइल, एयर, वाटर। ये बहुत ही वाइड डेफिनेशन है एक्चुअली। इसका मीनिंग क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन, उसमें क्या होगा कि देर विल बी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, ये सब चेंज होगा। तो अगर किसी अबायोटिक फैक्टर, आप सबको पता है ना कि एनवायरनमेंट में या फिर इकोसिस्टम में दो टाइप का फैक्टर होता है, वन इज बायोटिक फैक्टर, सेकंड वन इज अबायोटिक फैक्टर। सो इफ देर इज एनी चेंज, अनडिजायरेबल चेंज इन द केमिकल, फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अबायोटिक फैक्टर, देखो सॉइल हो गया, एयर हो गया एंड वाटर, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द अबायोटिक फैक्टर। तो इसमें कुछ अनडिजायरेबल चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉल्यूशन। एंड दी फैक्टर्स और दी वॉट वी कैन कॉल विच कॉजेस पॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो ये एक वाइड डेफिनेशन है विच इज गिवेन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा है, पॉल्यूटेंट। सो पॉल्यूटेंट कैन बी एनी बायोटिक फैक्टर एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर, ये भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी बायोटिक और अबायोटिक। सो इट कैन बी एनी, देखो यहाँ पे अगेन एक एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया है पॉल्यूटेंट का। सो इट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस विच इज डिस्चार्ज इन टू द नेचर इन एन इमेंस अमाउंट। इमेंस अमाउंट यहाँ पे मीनिंग क्या हो कि बिकॉज दीज ऑल कॉम्पोनेंट्स लाइक लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, बट इफ वी आर रिलीजिंग देम इन एन इमेंस अमाउंट, इन अ ह्यूज अमाउंट, then that can leads to a pollution. So these things are called as what, pollutant, which causes pollution. Okay, so these are the definitions of pollutants. फिर next कौन सा आता है, to protect our environment, government of India has made many act and उसके अंदर बहुत सारा amendment भी हुआ है। सो सबसे पहला ये जो है एक एक एक्ट आया था, उसके पहले भी एक और एक्ट आया था, वाटर पोल्यूशन एक्ट, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट दिस इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज लाइक केम इनटू फोर्स इन 1986, एंड इसका मेन पर्पस क्या था, टू इंश्योर द इन्हांसमेंट एंड टू इंश्योर एंड एनहांस द नेचर ऑफ आर सराउंडिंग। सो बेसिकली इट वॉज लाइक इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट, टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी, टू कंट्रोल द वॉटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। सो इन एग्जाम दे माइट आस्क यू इन विच ईयर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था ये कब आया था, इट वॉज लॉन्च इन द 1986 टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन दैट वी विल स्टडी इज एयर पॉल्यूशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक डेंजरस फॉर्म ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज नाउ इट इज वी ऑल आर अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन। सबको पता है, लाइक वी लिव इन अर्बन एरियाज और सबको ये, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस एयर पॉल्यूशन एंड नो वन कैन स्केप। ओके, सो एयर पॉल्यूशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इम्पैक्ट होता है अपने बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पे होता है, दैट इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एयर, इफ द एयर इज पॉल्यूटेड एंड इफ वी इनहेल दैट एयर, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट। सो इट माइट लीड टू हार्ट डिसीजेस लाइक
क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, ओके, हार्ट फेलियर इन द सीनियर सिटीजन, दीज आर एसोसिएटेड. एक और होता है लंग कैंसर. ओके, वी ऑल नो दैट इनहेलिंग सम पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस कैन लीड टू लंग कैंसर. ओके, सो दिस एयर पॉल्यूशन हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लंग बिकॉज दैट पॉल्यूटेड एयर फर्स्ट इट इंटरैक्ट्स विद द लंग, उसके बाद फिर वो अपने बॉडी में जाता है वाया ब्लड सर्कुलेशन. तो सबसे मेजर जो इम्पैक्ट होता है वो किस में होता है, अपने लंग्स के अंदर होता है. सो लंग्स के अंदर बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे कि ब्रोंका है, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोला, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा. सो लंग कैंसर इज वन वन मेजर इफेक्ट. सेकेंड कौन सा होता है, एस्थमा. इट कैन ऑल्सो लीड्स टू एस्थमा विच इज अ काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, आप सबको पता है. फिर दिस लीड्स टू रिड्यूस लाइफ स्पैन, ये भी बात सही है. जैसे कि एक रिसेंटली एक रिसर्च प्रपोज हुआ था कि लाइक एयर पॉल्यूशन कैन रिड्यूस एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन बाय 10 ईयर. मतलब कि 10 साल जो है, जो पर्सन, अगर मान लो कोई पर्सन 70 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, तो वो 60 ईयर तक सर्वाइव करेगा बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन. ओके, सो इट कैन लीड टू रिड्यूस इन दी लाइफ स्पैन. ये क्या कर सकता है, अपने लाइफ स्पैन को कम कर सकता है. ओके, एंड आई इरिटेशन, जैसे कि देखो लास्ट, मतलब 2-3 दिन पहले देखो दिवाली था, तो दिवाली के नेक्स्ट डे बहुत सारे लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स आती है, इरिटेशन इन द आईज, हेडेक, ब्रेथलेसनेस, ये सब प्रॉब्लम आता है बिकॉज दिवाली के नेक्स्ट डे बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूशन. और आप सबको मालूम है क्यों बढ़ता है. ओके, सो इरिटेशन इन द आईज, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब क्या, दिज ऑल आर द फ्यू इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन आर बॉडी. एंड कौन कौन से, मतलब कि ये जो है, मतलब कि कौन से टाइप का एयर अपने बॉडी के लिए अच्छा है, सुटेबल है. तो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा भी होगा, देखो जो ट्रैफिक होता है, जहाँ पे सिग्नल होता है रोड के सिग्नल पे, वहाँ पे लिखा होता है, एक बहुत बड़ा सा बोर्ड होता है, वहाँ पर सब डिस्प्ले करते कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आपके फोन में आता है आजकल. तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या, इट इज जस्ट इंडिकेशन और जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि मतलब हाउ मच एयर इज पॉल्यूटेड और वेदर द एयर इज क्लीन और नॉट. तो एक, इफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स, इफ द नंबर ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 0 to 50, विच इज रेयरली फाउंड इन मुंबई और इन नवी मुंबई, बहुत रेयरली ऐसा मिलता है. किसी को पता है, देखो लास्ट, मतलब कि आई थिंक सो जुलाई में मुंबई का एयर वॉज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयर ऑफ द ईयर, कुछ आई थिंक सो जुलाई 15 या 16 था. क्यों, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन. उससे क्या होता है कि जितने सारे पॉल्यूटेंट्स है, दे विल सेटल डाउन ऑन दी सॉइल. तो इफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 0 to 50, इट इज गुड. इफ इट इज बिटवीन 51 to 100, इट इज मॉडरेट, लाइक वी कैन इनहेल, इट विल हैव लीस्ट इम्पैक्ट ऑन आर बॉडी. इफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 100 to 150, देन इट इज अनहेल्दी, नॉट फॉर यंग इंडिविजुअल्स, बट यूजली इट कैन हैव डिट्रिब्यूटल इम्पैक्ट ऑन सीनियर सिटीजन हेल्थ. एंड इफ इट इज बिटवीन 150 to 200, इट इज हाईली अनहेल्दी. एंड इफ इट इज 200 to 300 बिटवीन, इट इज ऑल्सो हार्मफुल. दिल्ली में जो था लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से अभी भी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट इज अराउंड और आई थिंक सो मोर देन 500, विच इज वेरी बैड. तो ये सब कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स है. ओके, एंड ये सब क्या शो करता है कि मतलब कौन से टाइप का एयर क्लीन है, कौन से टाइप का एयर जो है ब्रीदेबल है. अल्टीमेटली ये सब जस्ट एक तरीका है अपने को, मतलब ये बताने का अल्टीमेटली whether the air quality index is 5 is more than 500 or below 500, we ultimately we have to breathe because we do not have any option na, koi option hai nahi apne paas. Okay, to ye jaisa tarika hai dikhane ka ki logo ko ki matlab air kitna polluted hai. Yes sir, theek hai. To ye tha air pollution ke bare mein. Uske baad next aata hai ki air pollution ka source kaun sa. So sabse pehla source jo hai, sabse major source jo hai, that is thermal power plant. ओके, क्यों, बिकॉज ये क्या करता है, दिस डिस्चार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक पार्टिकुलेट मैटर. और आप सबको पता है पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रॉन से नीचे होता है,
विच कैन नॉट बी ट्रैप्ड बाय द सीलिया ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सबको पता है ना कि अपना जो विंड पाइप है इट इज लाइंड बाय द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये आप सबको पता होगा, है ना। सो दिस पार्टिकुलेट मैटर हुज साइज इज लेस देन 2.5 माइक्रोन और 2.5 माइक्रोन, ये डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, अपने ब्लड में, अपने एल्विओलाई में जा सकता है। इट कैन एंटर डीप इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड विच कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक ये क्या कर सकता है, इट कैन लीड टू हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, इट कैन लीड टू चोकिंग ऑफ द एल्विओलाई, मतलब कि जो गैस एक्सचेंज जहाँ पे होता है तो अमाउंट ऑफ गैस एक्सचेंज को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट पॉल्यूटेंट ऑफ एयर इज मेनली रिलीज बाय द थर्मल पावर प्लांट। उसके अलावा भी बहुत सारा सोर्स है, जैसे आप सबको पता हो कि कंस्ट्रक्शन साइट हो गया, वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द व्हीकल्स, मतलब वहां से भी कुछ पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, ये सब क्या है उसके सोर्सेस है, ओके। उसके बाद अब सबको ये भी पता है ना कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में मतलब कि और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अनबर्न्ड फ्यूल्स, ये सब। सो दिस ऑल आर दी ऑल्सो सोर्सेस ऑफ द एयर पॉल्यूशन, ये सब अपने को पता है, ओके। सो टू टैकल दिस, मतलब कि हाउ वी कैन रिड्यूस द एमिशन ऑफ दिस एयर पॉल्यूटेंट, वी हैव डेवलप्ड सर्टेन मेथड्स। जैसे कि एक जो टेक्निक है विच इज मोस्ट वाइडली यूज, आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड इन इंडिया। सबसे ज्यादा अपने इंडिया में एयर को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ओके। और ये काम कैसे करता है, इट इज वेरी इजी। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में ये इमेज देखो आप, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ये गैस है, जस्ट अ सेकेंड, सपोज ये कोई इन ये देखो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इनकमिंग गैस विद पार्टिकुलेट मैटर। एंड आप सबको पता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दे आर न्यूट्रल इन नेचर, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सो व्हाट वी डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वी आर्टिफिशियली एड चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड बेस्ड ऑन देयर चार्ज दे आर सेपरेटेड ऑन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि एक ये सब क्या, दिस एयर कंटेन्स सॉलिड पार्टिकुलेट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर है। सो एज इट इज पासिंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सो अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओके, एक यहाँ पे कोरोना होता है, एंड आई होप आप सबको पता है कि कोरोना क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा, है ना। कोरोना क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लाज्मा रिच इन दी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो वंस दिस इलेक्ट्रॉन्स इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ दिस पार्टिकुलेट मैटर, सो नाउ द पार्टिकुलेट मैटर कैन बिकम नेगेटिवली चार्ज, ओके, एंड बेस्ड ऑन इट्स एफिनिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स सेपरेटेड, ओके। सो सपोज दिस येलो डॉट्स रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज, सो अकॉर्डिंग मतलब बेस्ड ऑन दिस इट गेट्स सेपरेटेड ऑन द मेटल प्लेट, ओके। सो नाउ द एयर विच इज गोइंग और विच इज पासिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज क्लीन, हैविंग ऑलमोस्ट लाइक थ्रू दिस मेथड वी कैन रिमूव ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। हाउ मच वी कैन रिमूव 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग particulate matter from the surrounding medium, okay. Apart from this, इसके अलावा एक और method है which is used to remove nitrates or sulfates from the incoming air. उसका नाम क्या है, scrubber, okay. So first ये clear हो गया electrostatic precipitator, second कौन सा है, scrubber. So
थ्रू स्क्रबर वी कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो यहाँ पर ये होगा क्या, सपोज दिस इज अ गैस, इनकमिंग एयर, यहाँ से कोई एयर जो जा रहा है, ओके सपोज गैस इज फ्लोइंग थ्रू दिस, तो उसके ऊपर जो है हम लोग क्या स्प्रे करते हैं, ये इसके ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं H2O या फिर लाइम, ओके लाइम स्प्रे करते हैं। सो लाइम और वाटर विल रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म एनी अदर कंपाउंड व्हिच गेट्स सेटल डाउन एट द पॉट, ओके एंड दिस इज हाउ वी गेट अ क्लीन एयर फ्रॉम दिस साइड। तो दो तरीका है, एक कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड सेकेंड वन इज स्क्रबर विच इज यूज टू रिमूव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, ओके आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू रिमूव द सल्फर, इट इज यूज टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर, और ये जो स्क्रबर है इट इज यूज टू रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड और द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ओके सो ये एक तरीका है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको, पहले ये बताओ मुझे सर कैन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्क्रबर वंस अगेन। यस स्क्रबर में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लू गैस लिखा है, ओके सो एक्चुअली दिस गैस कंटेन्स लॉट्स ऑफ पॉल्यूटेंट, सो एज दिस गैस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे गैस हो रहा है तो ये गैस जो है एक ऊपर की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ अगेन इट्स नेचर, सो जैसे कि ऊपर जाता है ना, सो देयर उसके यहाँ पे उसके पाथवे में एक बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, स्प्रे प्रेजेंट होता है, स्प्रे टावर, एंड ये क्या रिलीज करता है, वाटर और लाइम, लाइम वाटर स्प्रे करता है। सो लाइम और या फिर वाटर इट विल रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ इनकमिंग गैस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, जैसे मान लो कि वाटर हो गया और सल्फर हो गया, तो ये क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरस एसिड, आप सबको पता है ना, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 है ना, विच कैन अगेन कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर, दिस इज हाउ वी विल ट्रैप द सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ द इनकमिंग गैस, उसके बाद जो गैस यहां से रिलीज होता है इट इज क्लीन गैस, आप समझ में आया, और ये जो H2SO4 इट कैन बी कलेक्टेड हियर, इतना क्लियर है? यस सर। सो ये एक तरीका है, तो उसके बाद एक और है जिसको हम लोग कहते हैं कैटलिटिक कन्वर्टर, ओके नेक्स्ट कौन सा है विच आई हैव नॉट एडेड इन दिस स्लाइड इज व्हाट, कैटलिटिक कन्वर्टर, आपको पता है ये कैटलिटिक कन्वर्टर होता क्या है, नाम सुना है किसी ने? नहीं, मैं बताता हूं, इसका नाम है कैटलिटिक कन्वर्टर कहते हैं, और ये एक्चुअली करता क्या है, ये एक्चुअली मैं इस पे कर रहा हूं, सो ये जो है ना ये कैटलिटिक कन्वर्टर इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक प्लैटिनम, ये किससे बना होता है, प्लैटिनम से, पैलेडियम, ये भी एक है मेटल, या फिर एक और होता है उसका नाम है रेडियम आई थिंक, सो ये है उसका नाम, तो ये कुछ तीन अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं किसका, कैटलिटिक कन्वर्टर, और ये मालूम है कैसे काम करता है, अच्छा ये आपको समझ में आया कि ये एक कैटलिटिक कन्वर्टर एक टूल है विच इज लाइक इंस्टॉल्ड इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब कि जहां से गैस निकलती ना, जहां से एग्जॉस्ट निकलता है ऑटोमोबाइल का, तो उसी एग्जॉस्ट के आसपास में ये कैटलिटिक कन्वर्टर को हम लोग लगा देते हैं विच इज मेड अप ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और रेडियम, और ये काम कैसे करता है, सो फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां से कोई ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कोई गैस बाहर निकल रहा है, सो दैट गैस विल पास थ्रू दिस कैटलिटिक कन्वर्टर, सपोज ये क्या हो गया, एक कैटलिटिक
कन्वर्टर से ये गैस पास हो रहा है, कौन सा गैस? ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है, जिसको मैं यहाँ पे AE के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये जो ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, जैसे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको ये किसमें कन्वर्ट करता है, लेस हार्मफुल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में। अब बात समझ में आई? ओके, और ये SO2 को भी ये क्या करता है, उसका कोई बहुत सारा कंपाउंड होता है, सो आपको क्या पता करना है यहाँ पे कि ये SO2 को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइक सल्फर, लेस हार्मफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जब वो गैस ऑटोमोबाइल का जब एग्जॉस्ट, जब वही मतलब कि जो उसका जो जो एग्जॉस्ट होता है, जब वो गैस बाहर निकलता है आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कैटलिटिक कन्वर्टर, इट बिकम्स लेस पॉल्यूटेड। ये बात समझ में आई सबको कि कैसे ये काम करता है कैटलिटिक कन्वर्टर? यस सर। यस, उसके बाद क्योंकि ये तो हो गया कैटलिटिक कन्वर्टर का, बट एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि दिस कैटलिटिक कन्वर्टर इज नॉट इफेक्टिव व्हेन पेट्रोल एडेड विथ लेड इज यूज्ड। तो एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि इट इज नॉट इफेक्टिव व्हेन लेड एडेड पेट्रोल इज यूज्ड। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, जब किसी पेट्रोल में लेड ऐड करते, लेड जो है ये क्या एक टाइप का इम्प्योरिटीज है, तो जब किसी पेट्रोल में हम लोग लेड ऐड करते हैं, सो लेड एडेड पेट्रोल में ये जो है दिस इज नॉट इफेक्टिव, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड टू यूज लेड फ्री पेट्रोल, बिकॉज अगर आपने लेड फ्री पेट्रोल यूज किया देन ओनली योर कैटलिटिक कन्वर्टर विल वर्क एंड देन इट विल हेल्प टू रिड्यूस द व्हीक्यूलर एमिशन। अब बस समझ में आई? सो कैटलिटिक कन्वर्टर इज used to reduce the vehicular emission of pollutant. यहाँ तक क्लियर है? Okay. So these are the few measures taken by like government of India to reduce the sources of air pollution. ये बात समझ में आया? इतना क्लियर है? उसके बाद भी बहुत सारा है, जैसे कि केस स्टडी आपके टेक्सटबुक में दिया है, उसके बाद भारत स्टेज 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, विच इज हेल्पिंग टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। तो यहां तक क्लियर है सबको कैटलिटिक कन्वर्टर कैसे काम करता है? किसी को डाउट है? नहीं। फिर नेक्स्ट कौन सा है अपना, एक केस स्टडी है दिल्ली का, बहुत ही फेमस केस स्टडी था। तो एक टाइम था आई थिंक सो 1995 के बाद कि दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन था बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। ओके, और उस समय दिल्ली जो था इट वाज लाइक अमोंग, मतलब उसका रैंक था, इट वाज वन ऑफ द लाइक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड था, और वर्ल्ड के टॉप 40-41 सिटीज में से दिल्ली का भी एक नंबर आता था एयर पॉल्यूशन के इंडेक्स में। तब जाके कोई एक था जिसने की PIL, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आप लोगों को शायद से पता होगा, तो PIL किसी ने फाइल किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया। ठीक है, उस समय आई थिंक सो मतलब कोई गवर्नमेंट था, तो उसको उसने एक ये गाइडलाइन दिया कि व्हाट यू मतलब यू हैव टू टेक सर्टन एक्शंस टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन। तो उस समय की गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया, उसमें से सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा था कि यूज ऑफ CNG गैस। मतलब एक टाइम था जो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे बसेस चलती थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसेस थी ना वो पहले पेट्रोल और डीजल पे चलती थी, पर उसके बाद ये कंपलसरी कर दिया कि जितनी भी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस है ना वो सब किस पे चलेगी, CNG पे चलेगी। आजकल मुंबई में भी जो बसेस है ना, मुंबई की जो बसेस है वो भी CNG पर ही चलती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस है। ठीक है, तो ये किसका एक रेप्लिका है, दिल्ली का। सो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था,
कि जितनी सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस है इट ऑल हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीएनजी, ओके। और एक उसने एम रखा कि बाय 2002 वी हैव टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन ऑफ दिल्ली। उसने एक टाइम पीरियड दे दिया। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि यूज ऑफ सीएनजी। अब बात ये आती है कि व्हाई वी हैव टू यूज सीएनजी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट व्हाई, मतलब व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सीएनजी ओवर पेट्रोल एंड डीजल। तो सबसे फर्स्ट एक सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे कि बहुत ही मतलब वेरी लिटिल रिमेन अनबर्नड, मतलब कि देखो जब पेट्रोल या फिर जब डीजल बर्न होता है इंजन में, सो मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स अनबर्न, मतलब कि पूरा कंप्लीटली वो बर्न नहीं होता पेट्रोल एंड डीजल, तो ये भी कंप्लीटली बर्न नहीं होता, बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ अनबर्न कॉम्पोनेंट इज लेफ्ट इफ यू यूज सीएनजी। सबको पता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? यस सर, इट इज नेचुरल गैस, ओके। तो एक सिग्निफिकेंस क्या था कि वेरी लिटिल रिमेन्स अनबर्न। सेकेंड क्या था कि इट कैन नॉट बी डीबेस्ड लाइक पेट्रोल और डीजल। डीबेस्ड का मीनिंग क्या होता है कि इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल एंड डीजल। जैसे कि पेट्रोल में हो गया, डीजल में हो गया, दे कैन मिक्स केरोसिन और दे कैन मिक्स लेड, ये सब लोग मिक्स करते थे, बट ये सब जो है एडल्ट्रेशन जो है सीएनजी में पॉसिबल नहीं है। सो इफ एनी व्हीकल इज यूजिंग क्लीन फ्यूल, सो डेफिनेटली द लाइफ स्पैन ऑफ व्हीकल विल ऑल्सो इंक्रीज और पॉल्यूशन भी कम रिलीज करेगा। तो दैट इज वाई सबसे बड़ा ये क्या था कि लाइक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट का बस था या फिर जो सबको उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया सीएनजी में। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम विथ डिफिकल्टी इन सेटिंग पाइपलाइन, मतलब कि सीएनजी का एक स्पेशल से पाइपलाइन बनाना वो थोड़ा डिफिकल्टी था, बट उसको भी उसने फेज आउट कर लिया गवर्नमेंट ने। तो ये सबसे बड़ा एक सक्सेसफुल प्लानिंग था गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, टू रिड्यूस और टू मिटिगेट द एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली। और उसके बाद मतलब 3 या 4 साल के बाद रियली में जो एयर पॉल्यूशन था दिल्ली का उस समय बहुत कम हो गया था। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब आप लोग कब, मेरे ख्याल से बहुत भी नहीं हुआ होगा तब, मतलब 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ था, ओके। उसके अलावा और भी बहुत सारा स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। एक उसमें से कौन सा था कि फेज आउट ओल्ड व्हीकल्स। आप सबको पता है कि जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं दे रिलीज लॉट्स ऑफ पॉल्यूटेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो कार का या फिर जो व्हीकल का लाइफ स्पैन मोर देन 15 ईयर्स है उसको अपने को फेज आउट करना। सो फेज आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, क्योंकि लेडेड पेट्रोल लीड्स टू लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। थर्ड कौन सा था, यूज ऑफ एफिशिएंट एग्जॉस्ट सिस्टम द व्हीकल। एफिशिएंट एग्जॉस्ट सिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि दैट एग्जॉस्ट शुड बी इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद द कैटलिटिक कन्वर्टर, उसके साथ में ही लगाना पड़ेगा। Because catalytic converter helps to convert the harmful component of the exhaust into less harmful things. So इससे क्या होगा कि जो exhaust, जो कार से जो exhaust निकलती है, जो या फिर जो vehicle से जो exhaust निकलती है, it will have less pollutant in it. And एक जो आपके textbook में नहीं है, that is odd event policy, but it is recently launched. I think so आप लोगों को पता होगा कि जब कोई एक, मैं political party का नाम तो नहीं लूँगा, but I think so 2015 या 16 में जो government थी दिल्ली में, उसने ये लॉन्च किया था ऑड इवन पॉलिसी, मतलब कि ऑड डेज पे जो गाड़ी का नंबर के नेम प्लेट नंबर प्लेट में ऑड नंबर आता है वो चलाएगी, जो इवन नंबर है वो इवन डेज पे चलाएगी। ये आप लोगों को शायद से पता होगा ये सब बात, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना कि ये इसके पहले वाला ये सब हुआ, ठीक है। तो ये केस स्टडी है दिल्ली का। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे को कुछ पूछना था। बताओ सर, जो एलपीजी के ऊपर जो गाड़ियां चलती थी वो क्यों बंद हुई? एलपीजी नहीं, मतलब पेट्रोल और जो डीजल पे जो गाड़ियां चलती थी ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता था, वो फर्स्ट प्रॉब्लम था उस समय करप्शन अपने। हाँ, गवर्नमेंट ने तो एलपीजी को भी बहुत प्रमोट किया था ना, उसको क्यों बंद कराया गया? गवर्नमेंट ने एलपीजी को प्रमोट किया था, बट एलपीजी भी जो है इट कैन बी लाइक एडल्ट्रेटेड बट नॉट लाइक सी एन जी। सबसे कम एडल्ट्रेशन किसमें होता है? सी एन जी में होता है। और एल पी जी जो है इट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग ना। और ये जो पेट्रोल एंड डीजल है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि व्हीकल्स में हम लोग ये यूज करते थे। और हम लोग इजिली, लाइक एनी वन कैन इजिली मिक्स केरोसिन विद द पेट्रोल,
तो इससे क्या होता है कि जो इंजन का है ना, इंजन का लाइफ स्पैन कम हो जाता है एंड दैट इंजन ऑफ व्हीकल विल स्टार्ट गिविंग मोर अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। तो इसीलिए सीएनजी पे डिपेंड किया, बिकॉज सीएनजी वाज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल, क्योंकि इसका जो बर्निंग है ना, मतलब इट विल बर्न कम्प्लीटली। तो ये सब कुछ पॉइंट था। ओके और किसी कुछ पूछना है? नहीं, चलो। एक ये है भारत स्टेज 3-4, ये आप सबको पता होगा शायद से, लेकिन अभी ये जो है ये डेटा काफी पुराना है। अभी अपने इंडिया में कितना आ गया है, भारत स्टेज 6 आ गया है। तो ये सब जो नॉर्म्स है BS3, BS4, BS5, BS6, ये सब का मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द व्हीकुलर एमिशन। And so to reduce the vehicular emission, government of India regularly keeps upgrading the norms of the vehicles. जैसे कि सबसे initially क्या आया था, भारत stage 3, which was equivalent to Euro 3. Euro 3 जो norms है वो किसका है? European countries का norms है। और ये सब norms क्या बताता है कि मतलब कोई भी गाड़ी से कितना amount में pollution बाहर निकलना चाहिए। Okay? So, 3 के बाद फिर क्या आता है? 4 आता है, फिर 5, अभी जो करेंटली क्या चल रहा है, BS6 चल रहा है। और जो गाड़ियां BS6 लेबल्ड है या फिर जो गाड़ी का जो इंजन है वो BS6 के बेसिस पे है, उसके नॉर्म्स के ऊपर बनाया गया है, इट रिलीजेस लेस पॉल्यूट। तो ये सब कुछ तरीका है जस्ट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज व्हाट, ये एग्जैक्टली ये आपके बुक में भी दिया है, सो दैट इज व्हाई आई हैव कॉपीड फ्रॉम योर एनसीईआरटी, कि ये जो ऑटो पॉलिसी है जो अपने इंडिया में ये जो आया था, कि ये कैसे काम करे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ये जो यूरो 3 नॉर्म्स है ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द सल्फर टू बी कंट्रोल एट 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल एंड 150 पार्ट्स पर मिलियन इन द पेट्रोल। इसका मीनिंग क्या होता है, आप सबको पता है कि पेट्रोल विच इज यूज, ओके, इट कंटेन्स सल्फर। ओके, तो उसमें कितना होना चाहिए, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल डीजल में कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 350 पार्ट्स पर मिलियन, एंड पेट्रोल में कितना होना चाहिए, 150 पार्ट्स पर मिलियन। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो कितना होना चाहिए, 42%। ओके, तो ये एक यूरो 3 का नॉर्म्स है, वैसे हर एक यूरो का नॉर्म है। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूरो 3 है इट इज इक्विवेलेंस टू भारत स्टेज 3 नॉर्म्स। तो जो नॉर्म्स यूरो 3 का है इट इज सेम ऑफ द भारत स्टेज 3 नॉर्म्स। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज का नॉर्म्स आता है उसमें जो सल्फर का जो अमाउंट है, देखो यहां पर 350 है, तो जो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि इट विल बी अराउंड 300। तो ये इसका मेन पर्पस क्या होता है कि टू कट डाउन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सो द गोल इज अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस द सल्फर टू 50 पार्ट्स पर मिलियन एंड पेट्रोल